क्या रामायण के लिए शराब पीना और नॉनवेज खाना छोड़ेंगे रणबीर कपूर? क्या राम का किरदार निभाने के लिए एक्टर छोड़ेंगे ये चीजें? क्या रणबीर कपूर कर पाएंगे इतना बड़ा त्याग? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में है। नितिश तिवारी की फिल्म में रणबीर भगवान राम का किरदार निभाने जा रहे हैं। हालांकि इस फिल्म को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को लेकर आए दिन नई खबरें सामने आती हैं, आए दिन नए अपडेट सामने आते रहते हैं। अब रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के लिए स्टार कास्ट अपनी लाइफस्टाइल बदल रही है। जी हाँ, खबरों की माने तो रणबीर कपूर ने राम की तरह, मतलब भगवान राम की तरह पवित्र बनने के लिए शराब और नॉनवेज छोड़ने का फैसला लिया है। रणबीर अपनी पब्लिक इमेज के लिए नहीं बल्कि राम के किरदार के साथ जस्टिस करने के लिए शराब पीना छोड़ रहे हैं और नॉनवेज खाना भी बंद कर रहे हैं। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने तक रणबीर कपूर शराब और नॉनवेज से पूरी तरह दूर हो जाएंगे। रणबीर श्री राम की तरह प्योर और क्लीन महसूस करना चाहते हैं, इसलिए वो ये सब छोड़ रहे हैं। और आपको पता है, वो नाइट पार्टी भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी नाइट पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म रामायण के लिए, श्री राम के किरदार के लिए। बात करें यहाँ पर फिल्म की, तो पहले कहा जा रहा था कि आलिया फिल्म में सीता का किरदार निभा सकती हैं, लेकिन फिर ये खबर गलत साबित हुई और अब कहा जा रहा है कि साउथ एक्ट्रेस सही सीता का किरदार निभाएंगी। वहीं रावण के लिए KGF स्टार यश का नाम अब सामने आ रहा है। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, ये कुछ सोर्सेज है जिन्होंने ये रिवील किया है। फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी कि 2024 में फरवरी में शुरू होगी। फिल्म का पूरा फोकस सिर्फ राम और सीता पर होगा। इसकी जो शूटिंग है वो अगस्त तक चलेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म का VFX बनेगा वो ऑक्सर विनिंग कंपनी डिनेग करने वाली है, वो इसके जो VFX है वो तैयार करेगी। लेकिन अगर बात करें कि रणबीर कपूर से पहले भी किसी ने ऐसा कोई फैसला लिया है नॉनवेज छोड़ने का या शराब पीने का, तो जी हाँ, रणबीर कपूर से पहले प्रभास ने आदि पुरुष के लिए और अक्षय कुमार ने भी OMG OMG 2 में भगवान की भूमिका निभाने के लिए नॉनवेज का बलिदान दिया था। अब अगर बात करें रणबीर कपूर के वर्क फ्रंट की, तो फिल्म एनिमल जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी, रणबीर कपूर की है। इस फिल्म में रणबीर के साथ रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर मेन रोल में नजर आएंगे। तो क्या आप लोग रणबीर कपूर के इस फैसले से खुश हैं और एक्साइटेड हैं उन्हें राम के रूप में देखने के लिए? हमें कमेंट करके बताएं।